हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी लेखपाल से संबंधित रेगुलर अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, जो सोलर वाला प्रश्न हमारा 1 मार्च को डबल बेंच में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिसमिस हो गया था या डिस्पोज हो गया था, उस पर कृष्णा सर द्वारा एक कैवियट दाखिल की गई थी। आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देख लिया होगा, लेकिन उसका ऑफिशियल स्टेटस कुछ नहीं आ रहा था, तो पूरा बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उसका ऑफिशियल स्टेटस आ गया है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस दिन फाइल हुई है। एक थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी मैं दूंगा, तब आपको समझ में आएगा। जो हमारा केस था स्पेशल अपील डिफेक्टिव, आपको पता होगा 112 था, उसमें ये वाला केस लिंक था 429, इसी में वो कैवियट डली है, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें जो अपेलेंट थे वो राधा कृष्ण मिश्रा सर थे और इनके साथ 17 अदर लोग थे, और हमारी तरफ से सिद्धार्थ सिंघल सर इसमें वकील थे। तो मैं आपको दिखा देता हूं जो पूरा ऑफिशियल स्टेटस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ है, कितनी तारीख को फाइल हुई है, सब कुछ उसमें दिखाई आपको देगा। यहां पर अगर हम देखेंगे सीरियल नंबर 38, ये जो आप देखेंगे 3424/2024, 7 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, SAD 429/2023। तो ये SPLAD जो वहां पर है, यहाँ पर SAD लिख के आया है, स्पेशल अपील डिफेक्टिव 429, जो राधा कृष्ण मिश्रा और 17 अदर्स वाली रिट थी। 1 तारीख को इसमें निर्णय आया था, कृष्ण प्रताप सिंह पटेल वर्सेस राधा कृष्ण मिश्रा और पीयूष द्विवेदी, जिन एडवोकेट ने ये कैविएट फाइल की है। ठीक है, तो कैविएट का देखिए फायदा ये होता है, उसके बारे में पूरा बता देता हूँ कि एक्चुअल में वो कैविएट है क्या, शायद बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। कैविएट देखिए एक लैटिन टर्म है, उसका सीधा सीधा मतलब होता है लेट द पार्टी बी अवेयर, मतलब जो दूसरी पार्टी है केस में उसको आप अवेयर करें। मैंने एक और PDF भी बना के डाला है, आप उससे पढ़ सकते हैं, वहां से आपको ज्यादा आसान तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, कि कैविएट आखिर है क्या। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148A, एक व्यक्ति को अदालत को सिविल मामलों में एक तरफा आदेश या निर्णय जारी करने से रोकने का अधिकार देती है। मतलब मान लीजिए किसी भी केस में अगर दो पार्टी हैं, सिंगल साइडेडली या सिंगल हैंडेडली किसी एक पार्टी के फेवर में निर्णय इसमें नहीं जाएगा, दूसरी पार्टी को, जो उसका मतलब है लेट द पार्टी बी इन्फॉर्म्ड, यानी दूसरी पार्टी को आपको कुछ भी चेंज करने से पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यदि न्यायालय आदेश या निर्णय पारित करने से पहले कैविएटर को, कैविएटर मतलब जो कैविएट दाखिल कर रहा है, इसको सूचित नहीं करता है, तो आदेश या निर्णय शून्य हो जाता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए सोलर वाला जो प्रश्न है, इसमें अगर आप सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा, तो अगर कृष्ण प्रताप सिंह पटेल जो जिन्होंने कैविएट दाखिल की है, इनको इन्फॉर्म किया जाएगा, और अगर इनको इन्फॉर्म किए बिना कोई डिसीजन या वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट देता है, तो वो वर्डिक्ट देखिए साफ साफ लिखा है सेक्शन 148A जो सिविल प्रोसीजर कोड है, उसके तहत नल एंड वॉइड या फिर शून्य डिक्लेयर उसको कर दिया जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा सेफ्टी फीचर होता है, आप ये मान सकते हैं कि आपकी जानकारी के बिना उस केस में फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा, और अगर होता है तो उसमें बाकायदा आपको कोर्ट की तरफ से जानकारी दी जाएगी। ये है आपका कैविएट दाखिल करने का फायदा। तो इसमें सोलर वाले प्रश्न पर 429 वाले केस में ऑफिशियली कैविएट का स्टेटस शो हो गया, जो मैंने आपको दिखा दिया है, स्क्रीनशॉट में अभी डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जानकारी सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।